हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक जो कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो डेरिवेटिव की जो सीरीज़ हम कर रहे हैं उसके अंदर हमने काफ़ी वीडियोस डिस्कस किए हैं। आज हम एक और वीडियो डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है द डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो वही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस किस तरह किया जाएगा। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती क्या है, पहले हमें इसको समझना होगा। तो लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है x के ऊपर। तो y इज डिपेंडेंट ऑन x, बट हमारे पास कंडीशन ये हो कि y खुद एक और पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा हो, लेट सपोज वो 280, और x एक और पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा हो 80 स्क्वायर। कंडीशन ये मैंने एग्जांपल लिया है, आप कोई भी एग्जांपल हो सकता है। यहाँ पे हमने t को एक ऐसा पैरामीटर ले लिया है, तो t यहाँ पे क्या कहलाएगा, पैरामीटर। तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर x और y दोनों डिपेंड कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा पैरामीटर। और इस तरह की इक्वेशंस को हम कहेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस जब आ जाती हैं तो उसका डेरिवेटिव किस तरह निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको इस तरह रूल फॉलो करना है। क्या करना है आपने कि आपने y और x का डेरिवेटिव ले लेना है, दोबारा से दोनों का सेपरेट y और x का डेरिवेटिव लेना है उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो पैरामीटर कौन सा, यहाँ पे t है, तो t के रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव लेना है। तो आप क्या कहेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। तो हमने दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, t के साथ डिफरेंशिएट कर दिया। dy/dt, d/dt, 280, ये हमने y को किया, और यहाँ पे x को भी हम करने वाले हैं, dx/dt, d/dt, 80 स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम dy/dt फाइंड कर लेंगे, वो हमारा आएगा कि 2a, तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, वो निकल आएंगे। t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो पावर रूल लगाएंगे, 1-1 जीरो हो जाएगा जो कि t होगा, सॉरी 1-1 जीरो तो 1 आ जाएगा जो कि 2a आ गया। सो dx/dt हम फाइंड करना चाहते हैं, सो पावर रूल के हिसाब से 2 नीचे आ जाएगा, और t में 2-1 होगा तो t आ जाएगा। तो हमारा dx/dt आ गया 280, और dy/dt आ गया 2a। अब हमें क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है। हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे dy/dx। तो dy/dx फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना होगा एक दूसरे के साथ, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1/2। सो dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt इक्वल्स टू 2a/280। तो देखिए हमने क्या किया, dy/dt को डिवाइड कर दिया dx/dt के साथ। ठीक है, यहाँ पे भी अगर ये लेफ्ट साइड से डिवाइड हुई है तो राइट साइड से डिवाइड होगी। तो इस डिवाइड को करें मल्टीप्लाई में चेंज, तो ये हो जाएगा dt/dx इक्वल्स टू 2a/280। ठीक है, dt/dt कैंसिल, तो ये आ गया dy/dx जो कि क्या हो गया 2a। अब देखो 2at जो कि इक्वल था एग्जैक्टली y के, तो 280 इक्वल्स टू y है, तो हम लिख देंगे 280 इक्वल्स टू y, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे अपॉन y के साथ। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिहाज से, कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx का, 280 अपॉन y। तो y क्या है, वही 280 वैल्यूज रख के हम 1/t भी आंसर लिख सकते हैं, पर वो इन द टर्म्स ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाएगा। पर यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इन टर्म्स ऑफ y और x के वेरिएबल्स के अंदर। सो dy/dx इज इक्वल्स टू 2a/y। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया इस पैरामीट्रिक इक्वेशन का। एक और एग्जांपल उठाते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन का, थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो। सो एग्जांपल क्या उठाते हैं, हमने एग्जांपल ले लेना है, लेट सपोज सवाल है फाइंड dy/dx इफ x इज इक्वल्स टू 1-t² एंड y इक्वल्स टू 3t² - 2t³।
ये हमारे पास एक पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, हमें यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन का भी तरीका मैंने आपको बताया था, दोनों को डिफरेंशिएट करें पैरामीटर के लिहाज से। तो पैरामीटर क्या है, यहाँ पे टी है, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल डी एक्स अपॉन डी टी, डी ओवर डी टी वन माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी, डी ओवर डी टी थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी क्यू। इसको इधर सॉल्व करते हैं, सो डी एक्स ओवर डी टी आपका क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सिंपल वन माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो गया वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस टू टी, ये हो गया डी एक्स ओवर डी टी। और डी वाई ओवर डी टी का सॉल्यूशन क्या आया, वो आया सिक्स टी माइनस सिक्स टी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास किसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो फर्दर हम इसको क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं डी वाई ओवर डी टी, सिक्स कॉमन ले लिया, सिक्स टी कॉमन ले लिया, अगर सिक्स टी कॉमन लेते हैं तो वन माइनस टी आ जाएगा ना, ये रहने दो, सिक्स कॉमन ले लिया टी माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो फर्दर क्या करेंगे, हम इन दोनों को कर देंगे डिवाइड, सो डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी टी, सो डी वाई डी टी की क्वेश्चन ये है सिक्स टी माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस टू टी। ठीक है, तो अगर टी भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ बचता था क्या वन, और यहाँ पे क्या बचता था टी, तो टी कॉमन आ गया, टी टी से कैंसिल, टू का टेबल थ्री टाइम्स, तो आ गया थ्री माइनस वन माइनस टी स्क्वायर, नहीं टी स्क्वायर तो नहीं आएगा, अगर टी कॉमन आ चुका है तो यहाँ वन आएगा और यहाँ पे भी टी आएगा, थ्री माइनस थ्री वन माइनस टी, तो ये हमारा आ गया सॉल्यूशन, कि इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस थ्री वन माइनस टी, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आपका आ चुका है, डी टी डी टी कैंसिल, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू टू टी अपॉन वन प्लस टी। सही, अब इनका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव किस तरह लिया जाएगा, सिंपल है, दोनों का डेरिवेटिव टी के लिहाज से ले लें, डी एक्स ओवर डी टी, डी ओवर डी टी वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और डी वाई ओवर डी टी और डी ओवर डी टी टू टी अपॉन वन प्लस टी। ठीक, अब इसका हमने लेना है डेरिवेटिव दोनों तरफ, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल याद होगा, हमने वीडियो भी किया हुआ है, उसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, यहाँ आई बटन में आ रहा होगा, आप अभी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सो आपका डी एक्स ओवर डी टी यहाँ से क्या आना है, क्वेश्चन रूल, तो क्वेश्चन रूल क्या होता है, यू डेरिवेटिव वी माइनस वी डेरिवेटिव यू अपॉन वी स्क्वायर, सो यू डेरिवेटिव वी, तो हम क्या करेंगे, डी ओवर डी टी वन माइनस टी स्क्वायर, इसका हो जाएगा डेरिवेटिव, और वी सेम आएगा वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस वी डेरिवेटिव यू, तो डी ओवर डी टी ये होना है वी का वन प्लस टी स्क्वायर, और यू सेम वन माइनस टी स्क्वायर, और अपॉन में वी का स्क्वायर। तो देखें हमारा ऊपर वाला फंक्शन वन माइनस टी स्क्वायर क्या हो गया u, नीचे वाला फंक्शन हो गया v, तो u का डेरिवेटिव v सेम, v का डेरिवेटिव u सेम, और लास्ट में नीचे वाले स्क्वायर का, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फर्दर इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, तो यहां से इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस टू टी, ठीक है, और यहां से आ गया वन प्लस टी स्क्वायर माइनस, इधर डेरिवेटिव करेंगे आएगा तो प्लस का टू टी वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन, और वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये तो हमारा सॉल्यूशन आ गया यहाँ तक। ठीक है, अच्छा जी, और क्या चीज़ें कॉमन है यहाँ पे, अगर देखा जाए कि लेट सपोज
वन माइनस टी स्क्वायर टू टी स्क्वायर, ठीक है। सो नेगेटिव टू टी कॉमन है, इनको कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन निकली है तो ये नेगेटिव निकल गया, ये भी निकल गया, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, टी स्क्वायर कैंसिल, टी स्क्वायर कैंसिल, नेगेटिव साइन थी तो ये पॉजिटिव हो गया ना, ठीक है, टी स्क्वायर तो वन वन कैंसिल, टी स्क्वायर हो गया टू टी स्क्वायर, सो नेगेटिव टू टी, टू टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ओवरऑल जवाब आ गया माइनस फोर टी क्यूब अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हमारा सोल्यूशन आया किसका, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब इसकी बारी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना होगा, फिर से वही क्वेश्चन रूल लगेगा, u डेरिवेटिव v, u पहले डेरिवेटिव होगा v बाद में, और फिर v डेरिवेटिव u, सिंपल d ओवर dt, u का डेरिवेटिव जो कि 2t है और v सेम 1 प्लस t माइनस और d ओवर dt। अब क्या करना है हमने, सो अब क्या चीज़ हो जाएगी, ये v का डेरिवेटिव और u सेम डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 2, ये आ गया 1 प्लस टी सेम, इसका डेरिवेटिव होगा तो 2 होया, इसका डेरिवेटिव होगा 1 और ये हो गया 2t अपॉन में 1 प्लस टी होल स्क्वायर, ठीक। तो आगे क्या होगा, ये ठीक है 2 प्लस टू टी माइनस टू टी, टू टी टू टी कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस टी स्क्वायर टू अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ये हमारा इसका डेरिवेटिव आएगा। एक बार इसको चेक कर लें दोबारा से कि जब हमने नेगेटिव टू टी कॉमन लिया था तो ये नेगेटिव टू टी निकल गया, ये नेगेटिव टू टी निकल गया, ठीक है। तो जब नेगेटिव निकला तो क्या आया, जस्ट इसमें से हम क्या करते हैं टू टी कॉमन लेते हैं, टू टी कॉमन नेगेटिव साइन रह गई, माइनस वन माइनस टी स्क्वायर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है टू टी निकला, माइनस वन प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, अच्छा ना ये एक्सचेंज हुआ ना, टी स्क्वायर कैंसिल, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, ये हो गया माइनस टू और यहाँ पे क्या आ गया फोर टी, कभी कभार हो जाता है, यहाँ पे माइनस साइन आएगी। अब ये डेरिवेटिव आ चुका है डी वाई एक्स ओवर डी टी का, ये सॉरी डी वाई ओवर डी टी का, आई होप नहीं डी एक्स ओवर डी टी, ये डी वाई ओवर डी टी है, डी वाई ओवर डी टी का यहाँ डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसके डेरिवेटिव को इससे डिवाइड कर देंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड हो जाएगा। तो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी टी, तो डी वाई ओवर डी एक्स का सोल्यूशन क्या था, डी वाई ओवर डी टी का, तो वो है माइनस ये एक्स ही वाई है, वो ये है टू अपॉन वन प्लस टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला सोल्यूशन माइनस फोर अपॉन फोर टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, डी टी डी टी कैंसिल, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा क्या टू अपॉन वन प्लस टी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस माइनस साइन इधर ले लें, वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का माइनस वो उधर चली गई फोर टी, टू का टेबल टू टाइम्स तो टू टी बच गया, तो इसका सॉल्यूशन आ गया वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन टू टी नेगेटिव और वन प्लस टी होल स्क्वायर, तो इसका सॉल्यूशन आ गया ये। तो डी वाई ओवर डी एक्स का अगर सॉल्यूशन वैल्यूज ये हैं, इसका सॉल्यूशन इस तरह आएगा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारा जवाब भी आ सकता है फर्दर टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू टी, टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू टी किस तरह आएगा, ये
मिस्टेक कर ली ना, हमने यहाँ पे वैल्यू उठाई थी 1 + t² 1 + t, ये 1 + t² है, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 + t² t² यहाँ आ गया, ठीक है। जब टी स्क्वायर यहाँ आया तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2t, ठीक है, और स्क्वायर अपॉन में तो चलता रहेगा, ठीक है। 2t आ गया, जब हमने इसको 2t डेरिवेटिव आ गया तो ये आ गया 4t स्क्वायर, ठीक है। और 4t स्क्वायर यहाँ पे आ गया क्या, 2 + 2t, 2 कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा 1 + 2t, ओके 1 + t -2t स्क्वायर, ठीक है, और होल अपॉन 1 + t² होल स्क्वायर। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, जब स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे भी और यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, तो ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया, ठीक है। जब ये पूरा चीज़ कैंसिल हो गई, दोबारा से करते हैं इसको, छोड़ो कहाँ से दोबारा करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा आंसर ये आया, देखो 1 + t² था तो क्या हुआ, यहाँ पे ये 1 + t² आ गया, अच्छा यहाँ पे भी टी स्क्वायर आएगा, इसका डेरिवेटिव हो चुका, इसका डेरिवेटिव हो चुका, अब इसकी बारी। अच्छा देखा जाए तो यहाँ पे सवाल में मिस्टेक थी, ये मैंने अभी करेक्ट किया है, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी टी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हो जाएगा dy/dt, यहाँ पे आ जाना है u/v, तो इसका डेरिवेटिव ये सेम, तो d/dt 2t और नीचे वाला सेम 1 + t² माइनस, तो अब क्या होगा 2t सेम आएगा और d/dt 1 + t² अपॉन में 1 + t² होल स्क्वायर, तो u डेरिवेटिव v माइनस v डेरिवेटिव u अपॉन v स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। इसका डेरिवेटिव लें तो 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 और 1 + t² सेम माइनस 2t सेम और 1 + t² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2t, ठीक है। 1 तो 0 हो जाएगा, 2t c² का 2t आ गया और 1 + t² होल स्क्वायर सेम। आगे सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 2t² माइनस ये हो गया 4t², ठीक है, -4t², तो ये आ गया 2 - 2t² अपॉन 1 + t². आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dt इक्वल आ गया 2 कॉमन 1 - t², अच्छा होल स्क्वायर अपॉन 1 + t² होल स्क्वायर, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। अब क्या आ गया, ये आया dy/dt, ये आया dx/dt, उसको डिवाइड करेंगे इसके साथ तो हमें क्या मिल जाएगा, dy/dx। सो dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, तो ये क्या चीज़ बन गई, dy/dt जो है वो हमारा है 2 1 - t² अपॉन 1 + t² होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx/dt, जो कि ये सॉल्यूशन था 4t अपॉन 1 + t² होल स्क्वायर। तो देखो डिवाइड है तो साइड्स चेंज हो जाएंगी, तो ये दोनों फैक्टर तो कैंसिल हो गए और ये चला जाएगा अपॉन में 2 1 - t² अपॉन 4t, 4 का टेबल 2 टाइम्स लगेगा इस पर, 2 का टेबल सॉरी, सो ये आ गया 1 - t² अपॉन टी, अच्छा 2t, और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जवाब आ गया आपका dy/dx, आई होप विजिबल हो आपको, dy/dx क्या आ गया, नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगी तो हो जाएगा t²-1 अपॉन t, ये इसका सॉल्यूशन है 2t
टू भी था। ठीक है, तो ये हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस के डेरिवेटिव किस तरह निकाले जाते हैं उसका कंप्लीट मैथ हमने डिस्कस कर लिया, उसके तीन एग्जांपल भी सॉल्व कर लिए हैं। आई होप इसके बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हाँ, अगर साइन और कॉस के वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो जाएँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंट्रोड्यूस हो जाए, तो आपको टेक्निक सेम अप्लाई करनी है, सिर्फ डेरिवेटिव निकालने। अभी तक हमने उनके डेरिवेटिव सीखे नहीं है इस क्लास के अंदर, तो इस क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं। फिलहाल हम सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शंस को, पॉलीनोमियल्स को, रेशनल फंक्शंस को डेरिवेट कर रहे हैं। जब हम उनको फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन मेथड से कर लेंगे, उसके बाद हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे इस कंडीशंस के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया द डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।